बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। हमारे संवाददाता विमलेंद्र मिश्रा ने जेडीयू के बड़े नेता मंतोष सहानी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के बीरचंद पटेल पथ पर, जेडीयू का कार्यालय, जिस गाड़ी से भी हम सफर तय कर रहे हैं, बस चंद कदम की दूरी पर जेडीयू कार्यालय भी है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि पार्टी जेडीयू जनता के बीच में अपने 7 निश्चय योजनाओं को लेकर ही जाएंगी और उसी के दम पर हम जनता से वोट भी मांगेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंतोष सहनी, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, जेडीयू के तेज तर्रार नेता हैं, और जो जी मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, पार्टी की तरफ से जो फैसला लिया गया, उसमें कितना दम है और जनता कितनी रिझेगी, बात करते हैं डॉक्टर मंतोष सहनी से, जेडीयू के बड़े नेता हैं। क्या लगता है सर, 7 निश्चय योजना कितनी सफल है और मुख्यमंत्री उसके दम पर बोल रहे हैं सभी प्रत्याशियों को कि हाँ आप क्षेत्र में जाइए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। रही बात 7 निश्चय की, तो 7 निश्चय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय को लेकर काफ़ी सजग हैं। पिछला जो 7 निश्चय के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं थी उसे बिहार ने समय सीमा के अंदर सफलतापूर्वक धरती पे उतारने का काम किया है। आगे भी जो मुख्यमंत्री का जो विजन है 7 निश्चय, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से हमारी सरकार 2020 में बनेगी और मुख्यमंत्री का जो विजन है 7 निश्चय वह निश्चित रूप से जो है बिहार के सूरत और सीरत बदलने में बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा योगदान देगी। जिस तरीके से मंतोष सहनी कह रहे हैं कि सूरत और सीरत बदलने में बड़ा योगदान देगा, तो इनसे एक अहम सवाल और भी पूछते हैं कि एनडीए से अकाली दल अलग हुआ है, कितना सेहत पर असर पड़ेगा बिहार चुनाव में एनडीए में, क्या लगता है सर? जी बिल्कुल, देखिए अकाली दल के एनडीए से अलग होने से बिहार विधानसभा चुनाव के सेहत पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बिहार एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में पूरी तरह से मजबूत है और निश्चित रूप से 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए 2/3 बहुमत से जीतने जा रही है। नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई तो आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब जुड़वा भाई हैं, मतलब छोटा भाई अब जुड़वा हो गया, बाद में क्या बड़ा भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंचों से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जो है बोल दिए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। रही बात बड़े भाई की भूमिका में ही, जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल ले रहे हैं सीट शेयरिंग पर, क्या महागठबंधन से पहले एनडीए में सीट जो शेयरिंग है वो फाइनल होगा और सीटों का ऐलान होगा? जी बिल्कुल, प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस विषय पर काफ़ी गंभीरता से काम कर रहा है और निश्चित समय सीमा के अंदर जो है लगभग पूरी तरह से जो है ये सब फिक्स हो चुका है और निश्चित समय सीमा के अंदर एनडीए जो है अपना उम्मीदवार की घोषणा करेगी और बिहार चुनाव में बाजी भी मारेगी। तो ये थे जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर मंतोष सहनी, खुलकर बता रहे थे कि अकाली के अलग होने से एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और 7 निश्चय योजना जो जेडीयू का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है उसी के दम पर पार्टी जनता के बीच जाएगी और जनता से वोट भी मांगेगी। पटना से कैमरामैन अमित रंजन के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।